हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, करंट अफेयर सीरीज़ फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। तो इसमें हमने लास्ट 6 to 8 मंथ्स जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, तो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। इसमें हम पार्ट वन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इस पार्ट में हम जिसका पार्ट टू है, इसमें हम मई मंथ के तमाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इनको हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 to 8 मंथ्स पार्ट टू फॉर द मंथ ऑफ मई। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू कोच ऑफ USA नेशनल टीम। USA की राष्ट्रीय टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं आई जे अरुण कुमार। ये बेंगलोर कर्नाटका के हैं और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल चुके हैं फॉर कर्नाटका। उसके अलावा जो किंग्स 11 पंजाब हैं, IPL टीम है, उसके ये बैटिंग कोच भी रह चुके हैं आई जे अरुण कुमार। तो अब ये बने हैं रिसेंटली न्यू कोच ऑफ USA नेशनल टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव 2000 टू ईच COVID-19 पेशेंट्स हु विल बी रिकवर्ड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक होने वाले प्रत्येक COVID-19 रोगियों को 2000 देने की घोषणा की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश में। जो भी COVID-19 पेशेंट्स ठीक होंगे उनको बाद में गवर्नमेंट की तरफ से 2000 दिया जाएगा। सो ये है मैप में आंध्र प्रदेश, ये भी आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ चिन्हनी नाशरी टनल। चिन्हनी नाशरी सुरंग जम्मू कश्मीर में है, जम्मू डिवीजन में है, दैट कनेक्ट्स चिन्हनी एंड नाशरी ऑफ जम्मू डिवीजन। सो ये इसका नाम चेंज किया गया है एंड नाउ द न्यू नेम ऑफ दिस टनल इज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। नेक्स्ट, एयरटेल हैज़ टाइड अप विद होम टू इंक्रीज इट्स नेटवर्क कैपेसिटी। हाल ही में एयरटेल ने अपने नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रिसेंटली एयरटेल हैज़ टाइड अप विद नोकिया टू इंक्रीज इट्स नेटवर्क कैपेसिटी। सो एयरटेल ने टाई अप किया है नोकिया के साथ, तो देखते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी। एयरटेल इट वॉज फाउंडेड इन जुलाई 1995। फाउंडर इसके सुनील भारती मित्तल, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। सुनील भारती मित्तल इसके चेयरमैन हैं एंड गोपाल विट्टल ये इसके करंट MD एंड CEO। एंड नोकिया हेडक्वार्टर इसका एस्पो फिनलैंड, रिस्टो सिलासमा ये इसके चेयरमैन हैं एंड राजू सूर्य इज द करंट प्रेजिडेंट एंड CEO। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स मैं डिस्कस करता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछा जा सकता है कि एयरटेल ने किसके साथ टाई अप किया है, वहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एयरटेल हैज़ टाइड अप विद नोकिया टू इंक्रीज इट्स नेटवर्किंग कैपेसिटी। तो बाद में आपसे पूछा जाएगा हु इज़ न्यू MD एंड CEO ऑफ एयरटेल। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये रिलेटेड फैक्ट्स भी साथ साथ डिस्कस करता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड #WeWillWin कैंपेन फॉर हेल्थ वर्कर्स। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए वी विल विन अभियान किसने शुरू किया था? तो ये किया था FIFA ने। FIFA मीन्स द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल, ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका इंग्लिश में है, इसकी ट्रांसलेशन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इट वॉज फाउंडेड इन मई 1904, फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस एंड हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। सो ये है FIFA और इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की थी कंपेन वी विल विन फॉर द हेल्थ वर्कर्स। नेक्स्ट, हु टॉप अमंग अदर स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर MG NREGA। MG NREGA के तहत रोजगार देने में दूसरे राज्यों के मुकाबले में सबसे शीर्ष कौन रहा? सो उत्तर प्रदेश रिसेंटली टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर MG NREGA। सो उत्तर प्रदेश प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 57 लाख वर्कर्स अंडर MG NREGA। सो MG NREGA इसकी फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और ये इसको महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के थ्रू इसको पास किया गया था। इट वॉज लॉन्च डेट 2 February 2006, तो 2006 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका एम है टू प्रोवाइड लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज और उनको 100 दिन का रोजगार देकर उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करना रूरल एरियाज के गरीब लोगों को, ये है इसका एम। नेक्स्ट, रिसेंटली विच प्लेयर हैज़ बीन बैंड बाय PCB फॉर 3 ईयर्स। हाल ही में PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है?
उमर अकमल, ये हैं उमर अकमल, और इनको रिसेंटली बैन किया है पीसीबी ने फॉर 3 ईयर्स। पीसीबी ने किया, तो पीसीबी इट वाज फाउंडेड इन 1949 और एफिलिएशन मिला था इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में 28 जुलाई 1952। चेयरमैन है इसके एहसान मानी, डायरेक्टर इसके वसीम खान, और मेंस कोच हैं इसके करण मिसबाउल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्पाइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट गॉट जीआई टैग। जम्मू एंड कश्मीर के मसाले को जीआई टैग मिला है, तो वह कौन सा मसाला है, तो वह सैफरन। सैफरन को रिसेंटली जीआई टैग मिला है, दैट मीन्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये एक टैग दिया जाता है, और इसका मीनिंग क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट, कोई स्पेशल प्रोडक्ट किसी स्पेशल प्लेस पे ग्रो होता है और वहाँ इसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, तो उसको फिर उस एरिया का जीआई टैग मिलता है। तो अब फॉर एग्जांपल कश्मीरी सैफरन को जीआई टैग मिला है, तो अब अगर किसी और स्टेट में भी सैफरन इसको ग्रो किया जाता है, तो वो अब उसको कश्मीरी सैफरन के नाम से नहीं बेच सकते हैं, तो इसका क्योंकि इसको कश्मीर में इसका जीआई टैग मिला है। सैफरन इसको हार्वेस्ट किया जाता है इन करेवा हाईलैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो सैफरन होता है, इट इज़ अवेलेबल इन कश्मीर इन 3 टाइप्स, एक तो लच्छा सैफरन, मोंगा सैफरन एंड गुच्ची सैफरन, एंड इसको ग्रो किया जाता है इन द पाम्पोर तहसील ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ये आपको याद रखना है, पाम्पोर तहसील ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इसको ग्रो किया जाता है। उसके अलावा जम्मू डिवीज़न में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी इसको ग्रो किया जाता है सैफरन को। नेक्स्ट, विच कंट्रीज जियोलॉजिकल सर्वे रिसेंटली रिलीज द फर्स्ट डिजिटल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। हाल ही में किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? तो रिसेंटली अमेरिका के जो जियोलॉजिकल सर्वे है, उन्होंने रिसेंटली रिलीज किया फर्स्ट डिजिटल जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून। तो ये है वो जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून, और इसको रिलीज किया है बाय अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच बिकेम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू स्टार्ट प्लाज्मा थेरापी फॉर कोविड-19। हाल ही में कोविड-19 के प्लाज्मा थेरापी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना था? तो ये बना था KGMU, दैट मीन्स किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। इट बिकेम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू स्टार्ट प्लाज्मा थेरापी। प्लाज्मा थेरापी में क्या होता है, जो भी रिकवर्ड पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड लिया जाता है और इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है जो अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट्स होते हैं फॉर देयर रिकवरी, उनको रिकवर करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए उनका जो ब्लड है वो यूज़ किया जाता है। सो इसी को बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी, और इसमें फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू स्टार्ट दिस प्लाज्मा थेरेपी, ये बन गया KGMU। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्ट्स मुख्यमंत्री, सॉरी यहाँ मैं ऑलरेडी आंसर लिख चुका हूँ, तो ये कौन सी विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की? तो ये की थी हिमाचल प्रदेश में। सो इस स्कीम के थ्रू, जैसे MGNREGA में 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तो इसके थ्रू जो भी पीपल होंगे लिविंग इन द अर्बन एरियाज़, उनको 120 डेज एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, और ये अनाउंसमेंट की थी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर ने। सो चीफ मिनिस्टर यहाँ के जयराम ठाकुर एंड गवर्नर यहाँ के बंदारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन गिवन ANZ इंटरनेशनल मेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर। किसे हाल ही में ANZ मींस एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष वर्ष का ODI खिलाड़ी दिया गया है? वर्ष का ODI खिलाड़ी ये किसे मिला है? तो ये मिला है न्यूजीलैंड के कैप्टन कैन विलियमसन को दिया गया है ANZ एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड, इंटरनेशनल मेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सो ये मिला है न्यूजीलैंड के कैप्टन कैनी विलियमसन को। उसके अलावा और भी अवार्ड दिए गए हैं, ANZ इंटरनेशनल वुमेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है सूजी बेट्स को। ANZ इंटरनेशनल वुमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये मिला है सोफी डेवाइन, एंड ANZ इंटरनेशनल मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये मिला है रॉस टेलर को। सो ये तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लें। अब न्यूजीलैंड की बात है, तो ये एक सर्न आइलैंड कंट्री है इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ये है इसकी लोकेशन न्यूजीलैंड की, यहाँ पे है इंडिया।
तो ये है न्यूजीलैंड, और कैपिटल यहाँ की विलिंगटन, मोनार्क एलिजाबेथ सेकंड एंड गवर्नर जनरल पैर्सी रेडी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जैकिंडा एल्डम, और करेंसी यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर। वेयर वाज कोविड 19 टेस्टिंग बस रिसेंटली लॉन्च्ड? कोविड 19 टेस्टिंग बस ये कहाँ लॉन्च की गई? ये कोविड 19 टेस्टिंग बस है, जिसमें कोविड 19 के टेस्ट वगैरह कराए जाते थे, तो ये शुरू की गई थी इन मुंबई। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली रिलीज्ड अ सॉन्ग टाइटल्ड हम हार नहीं मानेंगे? हम हार नहीं मानेंगे ये शीर्षक सॉन्ग ये किसने जारी किया था? तो ये किया था HDFC बैंक ने। तो HDFC की बैंक की बात की जाए, इट वाज फाउंडेड इन अगस्त 1994, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। शमाल गोपीनाथ ये नॉन एक्सी चेयरपर्सन है HDFC बैंक के, और आदित्य पुरी ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर इन द मंथ ऑफ, अभी हम मई माह की बात कर रहे हैं, तो मई में इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो थे आदित्य पुरी। बाकी आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कि आज करंट मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन है। नेक्स्ट, विद होम डिड J&K एडमिनिस्ट्रेशन इंक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बिल्ड 2 CIIT सेंटर्स? सो CIIT केंद्र, दैट मीन सेंटर फॉर इनोवेशन इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग, दैट इज CIIT। सो इन केंद्रों का निर्माण करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये किए? तो ये किए थे टाटा टेक्नोलॉजी के साथ, टू बिल्ड दिस 2 CIIT सेंटर्स। अब टाटा टेक्नोलॉजीज की बात है, तो ये कंपनी इन टाटा ग्रुप दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज इन इंजीनियरिंग एंड डिजाइन एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मैनुफैक्चरिंग। इट वॉज फाउंडेड 1985, हेडक्वार्टर्स का पूना में। अब जम्मू कश्मीर की बात भी हो रही है, तो यहाँ हरी पर्वत से रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई है आपके लिए। तो हरी पर्वत ये है, यहाँ पे हरी पर्वत ये श्रीनगर में है। फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑन द साइट, इसका जो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ये कंस्ट्रक्ट की थी बाई मुगल एम्परर इन 1590 में, और इन्होंने बिल्ड किया था आउटर वॉल फॉर द फोर्ट एज ए पार्ट ऑफ हिज प्लान फॉर न्यू कैपिटल कॉल्ड नगर नेगौर। और इस प्रोजेक्ट को ये इनकम्प्लीट रहा था, और बाद में इसको कम्प्लीट किया गया था। द प्रेजेंट फोर्ट वॉज बिल्ट इन 1808 अंडर द रियन ऑफ शुजा शाह दुरानी। तो 1808 में शुजा शाह दुरानी के रियन में इसको कम्प्लीट किया गया है, इस फार्म में, जिस फार्म में आज ही अवेलेबल है। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच कंट्री वॉज नेशनल बर्ड डे मेड? सो हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया था? तो 4 मई को मनाया गया था इन अमेरिका, और इंडिया में ये डे मनाया जाता है 12 नवंबर को ऑन सलीम अली बर्थडे, सलीम अली के बर्थडे पर ये बनाया जाता है इन इंडिया ऑन 12 नवंबर। अब सलीम अली ये कौन है, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये हैं सलीम अली, ये इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं एंड नेचुरलिस्ट, और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इट वॉज फर्स्ट इंडियन टू कंडक्ट सिस्टमेटिक बर्ड सर्वेज अक्रॉस इंडिया एंड रोट अ सेवरल बर्ड बुक्स। और इन्हीं के नाम पे जम्मू एंड कश्मीर में एक पार्क भी है, सलीम अली नेशनल पार्क, एंड इट्स लोकेटेड इन श्रीनगर। इट कवर्ड इन एरिया ऑफ 99.7 किलोमीटर, नोटिफाइड इन 1986, और इसको बीच में कन्वर्ट किया गया था एज ए रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर बिटवीन 1998 to 2001। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जाता है, और इसको कन्वर्ट किया था बाई फारूक अब्दुल्ला द देन चीफ मिनिस्टर। तो कौन सी टाइम पीरियड में? 1998 to 2001 में इसको स्प्रिंग गोल्फ कोर्स भी इसको कन्वर्ट किया गया था, और आज फिर ये दोबारा एज ए पार्क इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल कंपनी? देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया श्रीकांत माधव वैद्या, इनको बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एंड ही टुक चार्ज ऑन July 1st, और इनका ये जो टेन्यूअर होगा इट विल बी टिल 31st August 2023। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वार सेकंड मेडल बाय रशिया? हाल ही में रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से किससे सम्मानित किया गया था? तो ये दिया था नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनको ये मेडल दिया गया था कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वार सेकंड मेडल, और ये दिया था इनको रशिया ने। ये क्यों दिया है? फॉर हिज रोल इन प्रिजर्विंग द मेमोरी ऑफ सोवियत सोल्जर्स हु डाइड ऑन नॉर्थ कोरियन टेरिटरी इन सेकंड वर्ल्ड वार। अब नॉर्थ कोरिया की बात है,
तो कैपिटल यहाँ की प्योंगयांग, और यहाँ के जो लीडर हैं वो हैं किम जोंग उन, करेंसी यहाँ की कोरियन पीपल्स वन, और मैप में ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, और इनके बिटवीन जो बाउंड्री लाइन है इसको बोलते हैं 38th पैरेलल, ये आपको याद रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, विच कंट्री वाज द हार्डेस्ट हिट बाय फूड क्राइसिस इन 2019 एज पर द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020। सो अभी रिसेंटली ग्लोबल फूड रिपोर्ट, फूड क्राइसिस की रिपोर्ट आई है 2020 में, तो इसमें 2019 में जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिट बाय फूड क्राइसिस थी तो वो कौन सी कंट्री थी, तो वो थी यमन। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020, यमन वाज द हार्डेस्ट हिट नेशन 2019, और इसमें 15.9 मिलियन पीपल वर अंडर फूड क्राइसिस, विच इज़ आलमोस्ट 53% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग अंडर फूड क्राइसिस करंटली। अभी हमने ग्लोबल फूड रिपोर्ट क्राइसिस की बात की, तो इसमें आप बताना है आपको कि हाउ मेनी पीपल्स आर लिविंग अंडर फूड क्राइसिस करंटली इन द वर्ल्ड। तो फूड क्राइसिस में इस वक्त वर्ल्ड में कितने पीपल रह रहे हैं, तो वो हैं 135 मिलियन एज़ पर द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020, जो अप्रैल 2020 में रिलीज़ की गई थी बाई ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। नेक्स्ट, हुए रिसेंटली लॉन्च कोविड का था मल्टी गाइड, हाल ही में किसने कोविड का था मल्टी गाइड लॉन्च किया है, तो ये किया था हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने, तो ये है कोविड का था और ये इनने रिसेंटली लॉन्च की। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच कंट्री सुरेश के रेड्डी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स इंडियाज एम्बेसडर, हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश के भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है ब्राज़ील के, अब ये ब्राज़ील के न्यू एम्बेसडर बने हैं सुरेश के रेड्डी। सो इसमें पहले मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं थोड़ा सा आपको और ये क्लियर कराना चाहूँगा, एक तो होता है हाई कमिश्नर और दूसरा होता है एम्बेसडर। तो जो हाई कमिश्नर होता है ये अपॉइंट किया जाता है इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, इनमें हाई कमिश्नर भेजे जाते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन सी हैं, वो कंट्रीज़ जो कभी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ रही हैं, ब्रिटिश के अंडर रही हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान ये भी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ रही हैं, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, तो इनमें भेजे जाते हैं हाई कमिश्नर्स, और बाकी जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनमें भेजे जाते हैं एम्बेसडर। नेक्स्ट, हु रिसेंटली लॉन्च्ड आई फॉर इंडिया कंसर्ट, हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने लॉन्च किया, तो ये रिसेंटली लॉन्च किया था फेसबुक ने आई फॉर इंडिया कंसर्ट, तो ये एक फंड रेजिंग कंसर्ट है और इंडिया का लार्जेस्ट फंड रेजर कंसर्ट टू हेल्प रेज फंड्स फॉर इंडियाज कोविड 19 रेस्पॉन्स फंड मैनेज्ड बाय गिव इंडिया, और ये जो कंसर्ट है इट फीचर्स इंडियाज लीडिंग एक्टर म्यूजिशियंस सिंगर स्पोर्ट्स पर्सन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स। नेक्स्ट, हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड एज पुलित्ज़र प्राइज 2020, 2020 का पुलित्ज़र प्राइज ये किसको मिला था, तो डार यासिन, मुख्तियार खान एंड चन्नी चंद, तो ये तीनों जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हैं, तो इनको रिसेंटली पुलित्ज़र प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी थी 31 अक्टूबर 2020, और फर्स्ट गवर्नर थे इसके गिरीश चंद्र मुर्मू, और आज इसके सेकंड एलजी हैं मनोज सिन्हा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईरान्स न्यू करेंसी, ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है, तो ये है टोमन। इंडिया ईरान अब अपनी नई करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, अभी यहाँ की करेंसी है रियाल, अब इसको ये चेंज करने जा रहा है इनटू टोमन। तो ईरान, ये है इंडिया और ये है यहाँ पे ग्रीन कलर में ईरान, कैपिटल तेहरान है, सुप्रीम लीडर अली खामनेई एंड प्रेसिडेंट हसन रूहानी। नेक्स्ट, हु रिसेंटली स्टार्टेड मत कर फॉरवर्ड कंपेन, हाल ही में मत कर फॉरवर्ड अभियान किसने शुरू किया, तो ये शुरू किया था टिकटॉक ने, ये कंपेन थी टू अवेयर यूजर्स नॉट टू फॉरवर्ड द फेक न्यूज़। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज विटनेस्ड अ हॉरिफिक टॉक्सिक गैस ट्रेजेडी ऑन मई 7, 2020, मई 2020 में निम्नलिखित में से किस शहर में भीषण जहरीली गैस त्रासदी देखी गई, तो ये हुआ था इन ये टॉरिफिक गैस ट्रेजडी हुई थी विशाखापट्टनम। सो पूरी हम इससे रिलेटेड डिटेल्स देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। तो इसको विजाग गैस ट्रेजडी भी कहा जाता है और इसमें स्टायरीन गैस लीक हुई थी फ्रॉम एलजी पॉलीमर प्लांट इन विशाखापट्टनम और इससे कई लोग मारे गए थे। स्टायरीन गैस ये क्या है, ये केमिकल कंपाउंड है दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज न्यूरोटॉक्सिन और इसको कॉमनली इसको
it is also known as ethyl benzene, vinyl benzene and phenyl lithium. And इसका जो chemical formula वो है C6H5CH2CH2। और इसकी inhalation से सबसे पहले it affects the human body, then upper respiratory irritation होती है, burning chest sensation होती है इससे, then chest congestion होता है, wheezing, air hunger and gasping and muscular weakness भी इससे styrene gas से होती है। और ये जो chemical plant है it was established in 1961 as a Hindustan Polymer, then it manufactures polystyrene and its co-polymer products as well as engineer plastic compounds। ये है वो polystyrene। तो विशाखापट्टनम में ये ट्रेजडी हुई थी, तो ये आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है विशाखापट्टनम, ये है आंध्र प्रदेश और यहाँ पे है ये विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, नेम द इंडियन फुटबॉल लेजेंड एंड पद्मश्री अवार्डी हु रिसेंटली पास्ड अवे, तो वो कौन थे, वो थे चिन्नी गोस्वामी, ये है चिन्नू गोस्वामी, तो ये रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। ही वॉज अ लेजेंड पद्मश्री अवार्डी इन इंडियाज फुटबॉल, ये इंडियन फुटबॉलर थे, तो इनका आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट, विच कंट्री एक्वायर्ड अ टॉप स्पॉट इन टेस्ट रैंकिंग एज वेल एज गेंड नंबर वन स्पॉट इन T20 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, किस देश ने टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है और साथ ही में पहली बार T20 सूची में भी नंबर वन स्थान हासिल किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन थे, अब T20 में भी ये नंबर वन पे आए हैं, तो देखते हैं डिटेल में रैंकिंग्स इनकी। तो पहले ICC टेस्ट रैंकिंग 2020 ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पे, न्यूजीलैंड नंबर टू एंड इंडिया इज एट नंबर थ्री इन ICC टेस्ट रैंकिंग। देन ICC ODI रैंकिंग, तो नंबर वन इंग्लैंड, नंबर टू इंडिया एंड नंबर थ्री न्यूजीलैंड। एंड नाउ ICC T20 रैंकिंग, तो ऑस्ट्रेलिया अगेन नंबर वन, इंग्लैंड नंबर टू एंड इंडिया नंबर थ्री। तो ये रैंकिंग्स आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व किया जाता है। और 8 मई को क्यों बनाया जाता है, टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस एंड इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस हेनरी डोनेट, तो ये फाउंडर है हेनरी डोनेट रेड क्रॉस के एंड इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के, तो इन्हीं के नाम ये जो इनको कॉमेमोरेट करने के लिए इनके बर्थडे को एज ए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल इसका जो थीम था वो था कीप क्लैपिंग फॉर वॉलेंटियर्स स्टाफ एंड एवरी वन रिस्पॉन्डिंग टू COVID-19, यही साल का थीम। नेक्स्ट, विच कंट्रीज टेनिस यूसुफ हुसाम हैज़ बीन बैंड फॉर लाइफ रिसेंटली, हाल में किस देश के टेनिस यूसुफ हुसाम, टेनिस प्लेयर यूसुफ हुसाम आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये इजिप्ट के प्लेयर हैं यूसुफ हुसाम, इनको लाइफ टाइम के लिए बैन किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आयुष कवच ऐप, आयुष कवच ऐप कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की, ये लॉन्च की थी उत्तर प्रदेश ने। और इसका एम क्या है, द एम विल प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन अमिड COVID-19 पेंडेमिक। सो COVID-19 में आपको कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करनी है टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, तो उसके लिए ये ऐप लॉन्च की गई है आयुष कवच ऐप बाय उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज न्यू इंटरिम MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं, तो ये बने हैं नीरज व्यास। अब पंजाब नेशनल बैंक ये एक हाउसिंग फाइनेंस बैंक है, इंटरिम MD एंड CEO बने हैं नीरज व्यास, फाउंडेड इन 1988 एंड इसका ऑफिस है इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक के नए MD एंड CEO किसको रीअपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया है एन कमाकोडी को। सो सीनियर लेंडर सिटी यूनियन बैंक री अपॉइंटेड एन कमाकोडी एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इशूड व्हाट्सएप नंबर फॉर करप्शन कंप्लेंट्स, हाल में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, तो ये किया था त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, रिसेंटली वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है, इनने बैन किया था इंडियन डिक्सन थ्रोअर संदीप कुमारी फॉर हाउ मेनी इयर्स, तो इनने इसको 4 साल के लिए बैन किया है, ये एक डिक्सन थ्रोअर थी एंड शेंड बीन बैंड फॉर 4 इयर्स बाय वाडा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज इराक्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, इराक के नए प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल कदीमी ये बने हैं इराक के न्यू प्राइम मिनिस्टर, रिसेंटली बने थे। अब इराक की बात है तो ये है मैप में इराक, कैपिटल बगदाद,
President Barham Saleh, Prime Minister Mustafa Al Kadhim, and currency Iraqi dinar. Next, who is the first Indian to win Fed Cup Heart Award 2020? So, हाली है Fed Cup Award 2020, ये किसने, किसको ये award दिया गया? तो ये दिया गया था सानिया मिर्जा को. ये है Indian tennis star सानिया मिर्जा, और इन्हीं को recently Fed Cup Heart Award दिया गया. सानिया मिर्जा, a former world number one in double discipline. She has won 6 Grand Slam titles in her career. She is highest ranked female player ever from India. इनको जो नंबर था वो 27 रैंक मिला है इन मिड 2007, और करंट रेटिंग है इनकी 253 ऑन 3rd February 2020. नेक्स्ट, हु डिड फ्लिपकार्ट रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किससे न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया? तो ये किया था इनने श्री राम वेंकट रमन, ये बन गए हैं फ्लिपकार्ट के नए CFO. फ्लिपकार्ट की बात है तो ये फार्म हुई थी 2007, हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया, ओनर इसके वॉलमार्ट, 82% ओनर हैं इसके, फाउंडर सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, और की पीपल कल्याण कृष्णमूर्ति इज द करंट CEO ऑफ फ्लिपकार्ट. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च बिरसा ग्रीन विलेज स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की? तो ये लॉन्च की थी झारखंड ने बिरसा हरित ग्राम योजना. इसका एम क्या है? टू यूज़ ओवर 2 लाख एकर्स ऑफ अनयूज्ड गवर्नमेंट फॉलो लैंड फॉर एफॉरेस्टेशन. सो 2 लाख एकर जो अनयूज्ड गवर्नमेंट लैंड है उसमें एफॉरेस्टेशन की जाएगी, तो इसलिए ये बिरसा ग्रीन विलेज स्कीम लॉन्च की गई है इन झारखंड. नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु? हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने. सो वेरियस कंट्रीज़ को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए थ्रू द शिप, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था बाई इंडियन नेवी. इंडियन नेवी ये एक नावल ब्रांच है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की, और ये इट वॉज फाउंडेड इन सेप्टेम्बर 1612, 407 ईयर्स एगो. कमांडर इन चीफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, और चीफ ऑफ नावल स्टाफ ये हैं एडमायरल करमबीर सिंह. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ निगाह प्रोग्राम? निगाह प्रोग्राम ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो ये किया था लॉन्च हिमाचल प्रदेश में. अब COVID-19 में बहुत सारे लोग अपने घरों को वापस लौट रहे थे, तो उनको घर उनके घर वालों को COVID-19 से रिलेटेड अवेयरनेस देने के लिए एंड टू फॉलो वेरियस गाइडलाइंस ये लॉन्च की गई थी निगाह प्रोग्राम इन हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI? तो RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है उसके डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया था? ये किया गया है तरुण बजाज को. अब RBI तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में, एस्टेब्लिश इन अप्रैल 1935, और इस वक्त जो इसके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांता दास. ये हैं इसके 25th RBI गवर्नर जो 2018 में बने हैं, और फर्स्ट इसके RBI गवर्नर वह ऑसबर्न स्मिथ जो 1935 में बने थे. नेक्स्ट, हुए साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फंड्स वर्थ ₹500 मिलियन टू सपोर्ट इंडिया इन COVID-19 एमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट? किसने भारत के COVID-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन का राशि प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने. ये एक मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक है, फॉर्मेशन हुई थी इसकी 2016 में, हेडक्वार्टर है इसका चाइना बीजिंग में, और जिन लिक्विन ये इसके करंट प्रेजिडेंट. नेक्स्ट, हुए रिसेंटली लॉन्च्ड CHD कोविड ऐप ये किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की थी चंडीगढ़ ने टू प्रोवाइड COVID-19 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. तो उसके लिए चंडीगढ़ ने ये CHD कोविड-19 ऐप लॉन्च की थी, CHD कोविड ऐप. तो मैप में ये है चंडीगढ़, कैपिटल है ये पंजाब और हरियाणा की, और खुद ये एक यूनियन टेरिटरी है. यूनियन टेरिटरी बनी थी November 1966 में. एडमिनिस्ट्रेटिव VP सिंह बंडोर ये हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटर. नेक्स्ट, रिसेंटली हु लॉन्च्ड अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर? हाल ही में अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था DRDO ने. अब ये अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर क्या है? हाईली इन्फेक्शन प्रोन एरियाज जहाँ बहुत ज़्यादा COVID-19 के केसेस आ रहे हैं, सो उस एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए ये अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर लॉन्च किया गया है.
बाई DRDO. अब DRDO ये क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, चार्ज विद मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट. फॉर्मेशन हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये हैं इसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल. एंड जी सतीश रेड्डी, ये इसके करंट चेयरमैन. नेक्स्ट, तेलंगाना हैज़ इम्पोज हाउ मच फाइन फॉर नॉट वियरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस पर मास्क न पहनने के लिए तेलंगाना ने कितना फाइन इम्पोज करने की घोषणा की थी? तो ये की थी 1,000 रुपीज़. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च स्पेशल स्कीम कॉल्ड धनवंतरी. धनवंतरी स्कीम ये किसने लॉन्च की थी? लॉन्च की थी आसाम ने, आसाम में. और इसका एम क्या है? अंडर विच लोकली अनेबल मेडिसन्स विल बी डिलीवर्ड टू पेशेंट्स. जो भी लोकली मेडिसन्स अनेबल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो मेडिसन्स पेशेंट्स को प्रोवाइड करना एट होम बाई मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर. तो ये है इस स्कीम का एम. नेक्स्ट, हु रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कंपेन. हाल ही में किसने दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया था नीति आयोग ने. तो जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं घरों में, उनको मेडिकली हेल्प करना, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, उनके चेकअप वगैरह करना, उसके लिए ये मैटरनल ये नाना नानी दादा दादी अभियान शुरू किया था रिसेंटली नीति आयोग ने. अब नीति क्या है? कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. और इसको 2015 में लॉन्च किया गया था. और इसका एम क्या है? टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, ये इसका एम. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है वो इस वीडियो को देख सकता है. सो इसके जो करंट चेयरपर्सन है वह नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. राजीव कुमार वाइस चेयरपर्सन अमिताभ कांत हैं इसके करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था चाइना ने लॉन्च किया. तो कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन्स के मैं आपको यहाँ नाम बताना चाहूँगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंडिया और चाइना के बीच बिटवीन जो बाउंड्री लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन. बट जो जम्मू एंड कश्मीर में है इंडिया और चाइना के बीच, यानी जम्मू कश्मीर और चाइना के बिटवीन जो बाउंड्री लाइन है इसको बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. देन ये जो बाउंड्री है दैट इज़ बिटवीन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको कहा जाता है LOC. एंड इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन जो बाकी की बाउंड्री लाइन है इसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन, सॉरी रेड क्लिफ लाइन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और मैकमोहन लाइन इट्स अ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. नेक्स्ट, हुएज रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन सागर किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने. और इसका एम क्या था? ये एक इनिशिएटिव था टू डील COVID-19 पेंडेमिक्स. इसमें जो भी 5 आइलैंड नेशंस हैं जिसमें मालदीव्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कॉमरोस एंड साइकिलिस, सो इनको मेडिकल असिस्टेंस एंड फूड आइटम्स प्रोवाइड करना, तो ये इस मिशन सागर का एम था. और इसमें यूज़ किया गया था इंडियन नावल शिप INS Kesari. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE. तो CBSE के नए चेयरमैन मनोज आहूजा. फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. फॉर्मेशन हुई जिसकी 1962 में. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है. चेयरपर्सन मनोज आहूजा हैं इसके. और एफिलिएशन 21,499 स्कूल्स. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैव परमिटेड वर्क फ्रॉम होम टू इट्स एम्प्लॉयज फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड. निम्नलिखित कंपनी में से किसने अनिश्चित काल के लिए अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति दी है? तो ट्विटर ने ये दी थी रिसेंटली, एक अनाउंसमेंट की थी. ये एक न्यू पॉलिसी लॉन्च की है ट्विटर ने, जिसमें इन्होंने अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को ये अलाउ किया है दे कैन वर्क फ्रॉम होम नॉट ओनली इन द करंट वेक ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक बट ऑल्सो इनडेफिनेटली आफ्टरवर्ड इफ दे विश टू डू सो. ट्विटर की बात है तो ये है लोगो ट्विटर का. ये एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है. और इसकी फॉर्मेशन हुई थी इन 2006. हेडक्वार्टर्स का कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स. एंड ये सर्व करती है वर्ल्ड वाइड. फाउंडर जैक डॉर्सी, नोहर ग्लास एंड बेन स्टोन, इवान विलियम्स ये हैं इसके फाउंडर. ओमिड कुर्दिस्तानी इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं. एंड जैक डॉर्सी ये हैं इसके करंट CEO. सो स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, 35 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है. तो अब मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करूँ. सो पार्ट वन में आज हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए. अब ये जो मई माह का इसका जो पार्ट टू है, इसमें अभी हमारे पास
25 और क्वेश्चंस रह रहे हैं, सो इनको मैं कल या परसों की डेट में अपलोड कर लूँगा, इसका पार्ट सेकंड मई मंथ का। ओके थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर हमको आपको काम हमारा पसंद है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करें। ओके थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।